साथियों, आज मुझे आपके साथ एक दुखद खबर साझा करनी है। कुछ लोग इस खबर को गुड न्यूज भी समझ सकते हैं। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय मीडिया की मौत हो गई है। अचानक भारतीय मीडिया को हार्ट अटैक हो गया, दिल की धड़कनें थमती गई और भारतीय मीडिया दूरदर्शन वाले मच्छरों की तरह तड़प तड़प कर मर गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना से उबरने वाली भारतीय मीडिया को वैक्सीन लगने के बाद से ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि असल में भारतीय मीडिया को देश की जनता की हाय लग गई। 50 ग्राम गांजा मिलने पर हाय तोबा मचाने वाली मीडिया, अडानी के बंदरगाह पर 900 करोड़ की हीरोइन जब्त होने पर मुझे ड्रग्स दो नहीं कर पाई, और इसी के चलते मीडिया का अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। मोदी जी के हर गलत काम को चमत्कार बताने वाली भारतीय मनोमीडिया अब हमारे बीच नहीं रही। इस खबर से मोदी जी तो इतने दुखी हुए कि देश छोड़कर शोक मनाने अमेरिका चले गए हैं। वहीं नोएडा की फिल्म सिटी में एंकर एंकरानी रुदालियों की तरह छाती पीट पीट कर रोते हुए फिर रहे हैं। दलाली के अड्डे कहे जाने वाले न्यूज स्टूडियो से जब मीडिया की अर्थी निकली तो गमगीन जनता ने जूते फेंक कर अपने गम का इजहार किया। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं ने तो मीडिया के साथ सती होने की जिद पकड़ ली थी। प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ऐसा करने से रोका। बड़े वाले नाले के पास पूरी गाली गलौज के साथ भारतीय मीडिया को सुपुर्दे कीचड़ कर दिया गया। अब नरकवासी हो चुकी मीडिया की अस्थि विसर्जन के लिए राहुल कंवल ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। राहुल पैदल चलते हुए संगम नगरी इलाहाबाद, जिसका नाम योगी जी ने प्रयागराज कर दिया है, वहां पहुंचे और संगम की धारा में मीडिया का अस्थि विसर्जन किया। राहुल ने इसके लिए लखनऊ से खास पुरोहित बुलवा कर स्पेशल वाली पूजा भी कराई, ताकि नर्क में मीडिया को रिफाइंड तेल में फ्राई होते वक्त कम तकलीफ हो। भारतीय मीडिया यूं तो बहुत पहले ही मुर्दा हो चुकी थी, लेकिन अब उसे ऑफिशियली मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। जो लोग इस खबर से दुखी हैं, हम उन्हें यही कहेंगे, जस्ट चिल ब्रो, मीडिया ही तो मरी है, दलाली थोड़ी खत्म हुई है।